हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। वेरिएंट की बात करें तो ये आपका सेकंड टॉप वेरिएंट है, VX के नाम से आता है और केवल आपको ये मैनुअल में देखने को मिलता है। कोई भी ऑटोमेटिक वर्जन आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता है। प्राइस की बात करें तो 24.64 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है, जिसमें आपको RTO चार्जेस लगभग 4,06,000 पड़ जाते हैं। तो ऑन रोड जाती है लगभग 30,20,000 के आसपास इन ग्वालियर। लेकिन एक फेस्टिव सीजन चल रहा है ग्वालियर में, जिसमें अगर आप कोई भी कार लेते हैं तो उसके RTO रजिस्ट्रेशन पे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है। तो मतलब सीधा आपको 2,00,000 रुपये तो RTO चार्जेस में ही छूट मिल जाएगी दोस्तों। तो ये बेस्ट टाइम है इस कार को परचेज करने के लिए। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है गाइज। तो आज की इस वीडियो में इसी को कंप्लीट कवर करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप 30,00,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या ऑफर किया जाता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके की फॉब की। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे स्मार्ट की देखने को मिलती है। पीछे आपको इनोवा की बैजिंग मिलती है, लॉक अनलॉक का आपको बटन मिलता है, बूट रिलीज का बटन नहीं है। टोयोटा का आपको फ्रंट में बैजिंग देखने को मिलती है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह की फ्रंट प्रोफाइल है। कुल चौड़ाई आपको 1830 mm की यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो ग्रिल है आपकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है। क्रोम का एसेंट किनारे किनारे आपको दिया गया है, बीच में टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिलता है। और वहीं नीचे आएंगे तो नंबर प्लेट की पोजीशनिंग देखने को मिलेगी और नीचे भी आपको क्रोम का एसेंट देखने को मिलेगा। फ्रंट का जो लिप पोर्शन है उसमें क्रिस्टा की आपको यहाँ पर क्रोम से स्टिकरिंग देखने को मिलती है। और वहीं अंडर बॉडी देख लीजिए, 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर करी जाती है दोस्तों। फ्रंट में आपको देखो पार्किंग सेंसर 1 और 2 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं और कोई भी कैमरा वगैरह आपको यहाँ पे फ्रंट में नहीं मिलता है। रिवर्स कैमरा पक्का मिलता होगा, वो भी चलेंगे तो मैं आपको दिखाई दूंगा। बाकी कंप्लीट बॉडी कलर में आपका फ्रंट बम्पर आपको देखने को मिलता है और कुछ थोड़ा सा स्लोपी आपको यहाँ पर बोनट ऑफर किया जाता है। उसमें यहाँ पर आपको देखो क्रीचेस देखने को मिल जाते हैं, इधर भी सेम है। और ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर वाइपर्स देखने को मिलेंगे। रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किए जाते हैं। लाइट सेटअप की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED का सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन लाइट का सेटअप ऑफर किया जाता है। ये रहे आपके DRLs और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको क्रोम का एसेंट देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। वहीं आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको जो इंडिकेटर वगैरह है वो भी सारा आपको यहाँ पर हेलोजन मिलता है और फॉग लैम्प भी आपको हेलोजन में ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम का जो एसेंट है ये कंपनी के साथ ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल आपको ऑफर करी जाती है। कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे कोई भी ना रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती है, ना ही सनरूफ मिलता है। पीछे जाएंगे तो आप देखिए शार्क फिन एंटीना आपको बॉडी कलर में शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। अब बात कर लीजिए कार के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं फुल लेंथ गाड़ी है, 4735 mm की कुल लंबाई ऑफर करी जाती है, जिसमें व्हील बेस 2750 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्रोम की बात करी जाए तो आप देखो विंडो लाइन पे आपको क्रोम देखने को मिलेगी और कहीं पे भी आपको क्रोम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट विंडो लाइन और आपका ये डोर हैंडल। उस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, साथ ही साथ की होल की पोजिशन देखने को मिलती है। पिलर्स वगैरह सारे मैट ब्लैक में आपको ऑफर किए जाते हैं। बात कर लीजिए ORVMs की, तो डुअल टोन में आपको यहाँ पर ORVMs मिलते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में, ठीक है, एक बॉडी कलर में ऊपर से एक ब्लैक कलर में। साथ ही साथ उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। एक बार चेक कर लिया जाए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है कि नहीं, तो जी हाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं दोस्तों। बाकी आपको साइड क्लैडिंग के नाम पर कोई भी क्रोम की पट्टी या साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसमें से आपको साथ में ना फुट रेस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसमें फुट रेस्ट आता नहीं है, लेकिन फुट रेस्ट लगने के बाद ना क्या ही गजब लगती है गाड़ी। बात कर लीजिए टायर की, तो व्हील आर्चेस आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं। 205/65 R16 inches के आपको यहाँ पर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। अपोलो के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे। डुअल टोन में डायमंड कट अलॉयज आपको ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट का आप सस्पेंशन देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको फ्रंट सस्पेंशन ऑफर किया जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। रियर में आएंगे तो रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं दोस्तों। क्वार्टर पैनल आपको काफ़ी बड़े साइज का यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जिससे आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। बात कर लेते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह की रियर प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। 1795 mm की कुल ऊंचाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रियर वाइपर देखने को मिलते हैं, डिफॉगर लाइन्स ऑफर करी जाती है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देखिए स्पॉयलर्स भी देखने को मिलते हैं, जो बॉडी कलर में है। टेल लाइट सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे कंप्लीट हेलोजन का टेल लाइट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। टेल लाइट में कहीं पर भी आपको LED वाला सिस्टम नहीं मिलता है।
रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे चार चार देखने को मिलते हैं, दो रिफ्लेक्टर्स आपको ऑफर किए जाते हैं, टोयोटा की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की पोजीशनिंग, दो हेलोजन लाइट है नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन के लिए, इनोवा क्रिस्टा की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, 2.4V की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी। ठीक है, ऊपर मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा आपका शार्क फिन एंटीना। तो ये रही आपकी कंप्लीट रियर प्रोफाइल, एक बार अंडर बॉडी देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको अंडर बॉडी देखने को मिलेगी। टायर साइज़ की बात करी जाए तो टायर साइज़ आपका यहाँ पे है 205/65R16। ठीक है, तो स्टील व्हील में आपको यहाँ पे 205/65R16 के टायर मिलते हैं। ये रहा आपका साइलेंसर और सस्पेंशन वगैरह देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। वहीं अगर आप दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। केवल डीजल में आपको ये कार ऑफर करी जाती है। फ्यूल टैंक 55 लीटर का यहाँ पे ऑफर किया जाता है। यूरिया वगैरह देखो यहाँ से नहीं भरा जाता है। अब ये अंदर चल के देख लेंगे बूट में, शायद वहाँ से ऑप्शन होगा यूरिया वगैरह भरने का। तो इसको फिलहाल हम कर देते हैं बंद और दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर को पैसेंजर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है। तो साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल एक्सटर्नल्स काफ़ी बढ़िया है इस कार के। एक बार चलते हैं, बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ से आप सेंसर दिया हुआ है, वहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो ये नॉर्मली खड़ी रहती है सीटें, ये ऐसे खड़ी रहती हैं। उसके बाद आप चाहो तो इसको साइड में भी माउंट कर सकते हो, फिलहाल ये ऐसे हो जाती हैं। आप यहाँ पे देखो 300 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। एक लैंप ऑफर किया जाता है हेलोजन में। पेपर क्लिप होल्डर आपको देखने को मिलेगा। सीट बेल्ट आपको थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए ऑफर करी जाती है और तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे थर्ड रो में सीट बेल्ट ऑफर करी जाती है। अंदर चल के दिखाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो थर्ड रो पैसेंजर का ये है ना, उसके लिए ये देखिए यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी दिया गया है थर्ड रो पैसेंजर के लिए। और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको मस्त निकालिए और यहाँ पे ऐसे इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एक बार चेक कर लिया जाए यूरिया वगैरह कहाँ से भरता है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल भी खोलने की जगह नहीं है, एकदम बंद है, ये खुलेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट बूट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है यूरिया फिर आपका इंजन बे से भरा जाता हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं बंद। और लिटरली में काफ़ी भारी इसका आपको बूट का दरवाज़ा देखने को मिलता है। अब चलते हैं, एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे डोर पैनल ऑफर किया जाता है। ये थोड़ा सा ब्लूइश शेड है, ठीक है, हालांकि ये सॉफ्ट है लेकिन ब्लूइश शेड है। ये पूरा हार्ड है, ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये सेफ्टी लैम्प देखने को मिलता है जो रात में बहुत काम आता है भाई। ठीक है, बाकी इधर स्पीकर की प्लेसमेंट, टोटल 6 स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये रहा आपका ट्यूटर की प्लेसमेंट, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ड्राइवर सीट की अगर बात करी जाए तो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको ड्राइवर सीट्स ऑफर करी जाती हैं और फैब्रिक अपहोस्ट्री में है, लेकिन सीट्स का जो फैब्रिक है ना काफ़ी बढ़िया है और सॉफ्ट है। कुछ इस तरह की आपको स्टिचेस देखने को मिलेंगी और आप देख लीजिए कुछ इस तरह का आपको पूरा फैब्रिक है। क्रिस्टा की आपको यहाँ पर भी स्टिकरिंग वगैरह, बैजिंग वगैरह देखने को मिलेगी, बेसिकली सीट के ऊपर है। दो एडजस्टेबल फ्रंट में आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर, इंजन बे ओपनर, ये आपका पार्क असिस्ट और ये आपका यूरिया वगैरह के लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच की पोजीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा स्पेस मिलता है, आप चाहे तो यहाँ पर कप वगैरह खड़ा रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग सा टेक्स्चर देखने को मिलता है जो वुडन फिनिश में आपको ऑफर किया जाता है। एसी के वेंट्स, और बाहर से देखें तो कंप्लीट डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। एक बार ना चलते हैं, गाड़ी के अंदर ही बैठते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, इधर देख लीजिए आपको चारों वन टच पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। लॉक अनलॉक का बटन है रियर विंडो लॉक करने के लिए और बाकी ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं लेकिन गाड़ी लॉक करते टाइम ये रिट्रैक्ट नहीं होगा। आप चाहे तो यहाँ से रिट्रैक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, लेकिन लॉक करते टाइम ये रिट्रैक्ट नहीं होगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, लेकिन एनालॉग होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कितना ही बढ़िया आपको मिलेगा, ये 3D टाइप फील होगा और ये फील होता है कि ये थोड़ा सा डेप्थ में है। मेरे को तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जो डिजिटल डिस्प्ले है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गॉज देखने को मिलता है एनालॉग में। इधर आपको आपका RPM मीटर, साथ ही साथ ये आपका टेम्परेचर वाला गॉज यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ वार्निंग्स यहाँ शो करेगा और कुछ वार्निंग्स यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट क्लस्टर देखने को मिलता है। और ये देख लीजिए ऊपर आपको इंडिकेटर वगैरह की पोजीशन ऐसे दी गई है। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा आपको ना
हार्ड पोर्शन यहाँ देखने को मिलता है, कुछ भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया लगता है। क्रिस्टा का जो देख रहे हो ये पूरा एक है, हमेशा से चला आया है, मुझे तो काफ़ी पसंद आता है। बाकी ये रहे एसी के वेंट्स, और ये थोड़ा सा आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलता है, डल सिल्वर कलर में आपको ये देखने को मिलेगा जो पूरा बॉडी पे रन कर रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। बाकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपकी यहाँ पे 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट देखने को मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पर कार पे सब सपोर्ट करता है। ऊपर आपको हैजार्ड की लाइट, एक छोटी सी क्लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो टाइम बताती है। बाकी नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है दोस्तों। वहीं नीचे आएंगे तो आपको इको मोड और पावर मोड, दो मोड्स ऑफर किए जाते हैं ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए। और ये जो पीछे 6 पैसेंजर बैठे हुए हैं ना, सबकी सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको यहाँ पर देगा। पैसेंजर का जो एयरबैग ऑन और ऑफ होता है आप यहां से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि भाई इधर जो पैसेंजर बैठा हुआ है ना, इसका एयरबैग ऑन या ऑफ है कि नहीं, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग कॉलम राउंड बॉटम है, आधा लेदर रैपिंग है, आधा कुछ इस तरह का रैपिंग आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया लगता है। स्टिचिंग देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको ऑफर करी जाती है। टोयोटा की बैजिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग देखने को मिलती है। टोटल यहाँ पे आपको 7 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। इधर सारे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, वॉइस फंक्शन, फ़ोन रिसीव करने के लिए, कट करने के लिए। राइट साइड में आप देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये सारा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल है। ये आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है दोस्तों। बाकी क्रूज़ कंट्रोल अगर आप देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है गाइस, ठीक है, एकदम यूनिक पोजीशन है। स्टीयरिंग कॉलम की बात कर ली जाए तो आपका ये टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। तो इधर आपको एसी के वेंट देखने को मिलते हैं, इधर भी आपको एसी के वेंट देखने को मिलते हैं, ये कंप्लीट एसी के वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स देख लीजिए, एक छोटा सा ग्लव बॉक्स ऊपर है और यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ये देखो इधर भी आपको ये कप होल्डर समझ लीजिए कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर आप कोई बॉटल वगैरह रखते हो तो ठंडी रहती है क्योंकि एसी के सामने है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 5-स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स ऑफर किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, सॉफ्ट टच में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, स्लाइडिंग नहीं है, और इसके अंडर जो स्पेस देख लीजिए कुछ इतना स्पेस आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको रियर के लिए एक यूएसबी पोर्ट है, पीछे चलेंगे तो दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस है, छोटे बड़े मोबाइल या कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप रख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो है आपका लेदर से काफ़ी बढ़िया से सिक्योर करके चेन वाला दिया गया, आप खोल के देख भी सकते हो कभी काम करना है तो, कुछ इस तरह से दिया गया है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको वेंट मिरर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लाइट का फंक्शन भी है। दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको वेंट मिरर देखने को मिलता है, और इधर भी आपको लाइट देखने को मिलती है दोस्तों। बीच में आपको मैनुअल IRVMs ऑफर किए जाते हैं। इधर ये देख लीजिए आपको सनग्लासेस होल्डर है, बाकी ये लाइट के फंक्शन है सारे, ठीक है, आप देख लो सारे आपको ना लाइट के फंक्शन देखने को मिलते हैं दोस्तों। बाकी कोई भी आपको यहाँ पे सनरूफ वगैरह ऑफर नहीं करी जाती है। अभी पीछे चलेंगे तो पीछे का दिखाऊंगा। ग्रैब हैंडल्स, सॉफ्ट क्लोजिंग है, ड्राइवर साइड में भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है और वो भी सॉफ्ट क्लोजिंग है, ठीक है। और बाकी देख लीजिए कुछ इस तरह का कंप्लीट आपका फ्रंट का डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है, और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कंसोल देखने को मिलता है। कैसा लगा एक बार कमेंट्स में जरूर बताएगा दोस्तों। मुझे जो टेक्स्चर जो दे रखा है ना, ये काफ़ी बढ़िया लगा। अब चलते हैं सेकेंड रो की बात करते हैं। क्रोम में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, इसको अगर आप खोलोगे तो यहाँ देख लो सब कुछ आपको सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ब्लैक कलर में है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का फीचर देखने को मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ये पोर्शन है, क्रोम में ये पोर्शन है हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल्स, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, जो भी समझ लो आप, ठीक है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है, तो कुछ इस तरह से ये रहा आपका कंप्लीट दरवाज़ा। बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट सेटअप देखने को मिलता है। बीच में आपको 2 सीट मिलती है, चूँकि आपका ये 7 सीटर है इसीलिए बीच में आपको 2 सीटें हैं, और पैसेज के लिए आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। आप एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो सेकेंड रो के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से कप होल्डर देखने को मिलते हैं, और ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट का फंक्शन भी देखने को मिलता है, और ये सीट आगे गिरा के आप पीछे भी जा सकते हैं। एक बार अंदर बैठते हैं, जब आप अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले बात कर ली जाए सीटिंग कम्फर्ट की, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि लेग रूम, नी रूम, थाई सपोर्ट में कोई भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। मैं ना एक बार सीट को ना पीछे गिरा के भी दिखाता हूँ कितनी जाती है। तो ये आप देख लीजिए कुछ इतनी सीट इंक्लाइंड हो जाती है, और आपको यहाँ पे ना आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी ऑफर किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो बाकी इसको कर लेते हैं सीधा।
वहीं नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलेगा, एक USB पोर्ट ऑफर किया जाता है और यहाँ पे AC के वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डुअल जोन AC आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, और साथ ही साथ एम्बियंट लाइट देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको मिलती है। इंडिपेंडेंट आपको इंडिविजुअल यहाँ पे लाइटें देखने को मिलती हैं, हेलोजन में है, ग्रैब हैंडल्स कोट हैंगर के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग है, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल्स कोट हैंगर के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग है। बाकी सेकंड रो के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे आपको केबिन लाइट हैलोजन में ऑफर करी जाती है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको फोल्डेड आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। एक तरह से ये कैप्टन सीट्स का काम करता है जो काफ़ी बढ़िया लगता है, और ये सीट भी काफ़ी बढ़िया से रिक्लाइन हो जाती है। बाकी डैशबोर्ड की बात कर ली जाए तो सेकंड रो से डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है गाइज, ये देख लीजिए, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, आपको सेकेंड रो में पार्सल ट्रे देखने को मिलती है, ये देखो ठीक है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे ऑफर करी जाती है। अगर रस्ते में कुछ स्नैक वगैरह खाना हो, यहाँ पे कप होल्डर भी आपको इसमें देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि काफ़ी यूटिलिटी वाली चीज़ है। बाकी दरवाजे पे तो बाकी सारा कुछ मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। अगर आपको थर्ड रो एक्सेस करना है तो मैं बता देता हूँ, आप तो या तो बीच में से जा सकते हैं या तो सीट को फोल्ड करके जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से ये सील्ड आपकी एकदम फोल्ड हो जाती है, और यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं थर्ड रो। अब थर्ड रो में बात करी जाए तो आपको यहाँ पे 50-50 स्प्लिट में सीट्स देखने को मिलेंगी। तीसरे पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पे हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, साथ ही साथ तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। इधर देख लीजिए आपको दो कप होल्डर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी मिलता है, सेम यहाँ पर भी है, थोड़ा सा स्पेस कप होल्डर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ पेपर क्लिप होल्डर है, ग्रैब हैंडल्स है, इंडिविजुअल आपको यहाँ पे AC के वेंट्स देखने को मिलते हैं, और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है दोस्तों। देखो बात कर लेते हैं सीटिंग कंफर्ट की, तो आपको थर्ड रो में इतना ज़्यादा सीटिंग कम्फर्ट नहीं ऑफर किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सीट को ना रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये इतनी रिक्लाइन हो जाती है और आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन बड़े लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। बाकी थर्ड रो से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट इंटीरियर और डैशबोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप इस सीट को चाहो तो ऐसे वापस वो कर सकते हो, और निकलना है तो वापस उसको फोल्ड करिए निकल जाइए, या तो बीच में से निकल जाइए। इंजन दिखा देते हैं, इस कार में आपको 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है। बहुत पावरफुल इंजन है जो 147 BHP की पावर, 343 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल के देता है। बाकी लेआउट वगैरह देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया सा लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये देख रहे हैं ये जो आपको यूज़ किया गया है ना, इसकी वजह से इसका एकदम प्रॉपर 5-स्टार रेटिंग देखने को मिलती है। बाकी सब कुछ सिक्योर करके आपको दिया गया है, थोड़ा सा आपको नीचे स्पेस देखने को मिल जाएगा जो हमेशा से आपको मिलता ही है। जो एडब्लू डालने की पोजीशन में बता रहा था आपको, देख लो यहाँ पे एडब्लू डालने की पोजीशन इस कार में दी गई है। नॉर्मली कार्स में पीछे बूट में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको इंजन में भी देखने को मिलती है गाइस। बाकी डैम्पिंग वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पे डैम्पिंग वगैरह भी प्रोवाइड करी गई है गाइस। तो दोस्तों ये थी आपकी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा VX 7 सीटर वाला वेरिएंट। आपको ये कार कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।